अनदर डेड लाइफ सर्विस गेम और गेम्स एज अ सर्विस या जो भी आप कहना चाहें। नॉर्मली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जब कोई लाइव सर्विस गेम बंद हो जाए तो, अगर इस केस में मुझे ख़राब लगा क्योंकि ये एक अच्छा गेम था और ये पहला मेले फोकस्ड बैटल रॉयल गेम था जो मैंने खेला। लेकिन यही प्रॉब्लम है लाइव सर्विस गेम्स के साथ, ओनली सो मैनी ऑफ देम कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। ये इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं अपने प्लेयर्स से, और लाइव सर्विस गेम्स के लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं उनके प्लेयर बेस पर। अगर प्लेयर बेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है, या फिर इवन वर्स की जल्दी मैच स्टार्ट करने के चक्कर में एल्गोरिदम अलग अलग स्किल लेवल्स के प्लेयर्स को सेम मैच में डालने लग जाता है, जो कि इस गेम के साथ भी हुआ। जब मेरे 10 से कम एलिमिनेशंस थे तब मुझे 1000 से ज़्यादा एलिमिनेशंस वाले प्लेयर्स अपने लॉबी में मिल जाते थे। कुछ लोग रैंक मोड ना होने को भी एक कारण मान रहे हैं इस गेम के ना चलने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रैंक ज़्यादातर गेम्स में एक प्लेयर बेस एस्टैब्लिश होने के बाद ऐड किया जाता है, लेकिन रंबल वर्स उससे पहले ही बंद हो गया। रंबल वर्स के आने से पहले मैं सोचता था कि फाइटिंग बीआर गेम्स पॉसिबल नहीं है, इसमें बीआर का मतलब बैटल रॉयल है, क्योंकि एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में लेटेंसी इश्यूज हमेशा होते ही हैं, और लेटेंसी एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी ऑनलाइन फाइटिंग गेम के लिए। लेटेंसी दरअसल एक ज़्यादा बड़ा इशू है ऑनलाइन फाइटिंग गेम्स के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन शूटर्स, क्योंकि फाइटिंग गेम्स में हर एक्शन में प्रिसाइज बटन प्रेस की ज़रूरत होती है, चाहे वो कॉम्बो, डॉज या ब्लॉक। ये एक फ्री टू प्ले गेम था तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे कमाने के लिए कॉस्मेटिक सेल्स करते थे, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग ये भूल जाते हैं कॉस्मेटिक खरीदने से पहले कि उन कॉस्मेटिक्स का होगा क्या जब कोई लाइव सर्विस गेम बंद हो जाए। फॉर्चुनेटली इस केस में रंबल बर्स ने प्लेयर्स को पैसे रिफंड कर दिए, लेकिन ये सब गेम में नहीं होता है, जैसे कि एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल ने अपने प्लेयर्स के पैसे रिफंड नहीं किए। इस गेम का बेस्ट बात तो मुझे यही लगा कि इसमें एनिमीज को बिफ्रेंड करना बहुत आसान है। लेकिन मैच को कभी ना कभी ख़त्म तो होना ही होता है। ऑल्सो मुझे कुछ चाइल्डहुड फैंटेसीज कंप्लीट करने का मौका मिला इस गेम के जरिए। एंजॉय। आसमानी चोक स्लैम। इस गेम में पाइल ड्राइवर नहीं था तो आसमानी जूना ड्रॉप। आसमानी स्पीयर मेरे ऊपर। स्काई स्क्रेपर के ऊपर से अपर कट और फिर मेरे ऊपर आसमानी आरकेओ। आसमानी पावर बॉम्ब। द अल्टीमेट पावर बॉम्ब। कंटेस्टेंट इज
दरिया में इजुना ड्रॉप। जहां तक मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट फाइट है इस गेम का। The battle's not over yet. Here comes the ring.